तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि फाइंड ए फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब देखा जाए यहां पर क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर को एड या सबट्रैक्ट करना है, तो हमको यहाँ पर क्या करना हो, जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात हुआ और फ्रैक्शन के बारे में बात हुआ, तो वैसे ही पहले की तरह हम क्या करें, लेट करके मान लें, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू, हम यहाँ पर फ्रैक्शन को मान लेते हैं कि वो हमारे पास x बाई वाई है, यहां से ये न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा और नीचे वाला हमारे पास ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। इतना तो सबको आपको पता है कि यहाँ पर इतना काम करना है। फिर अगेन क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखा जाए, बोला है फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2, वो बन जाता है 1/2 व्हेन, जब 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी कि x और बाई वाई हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर में से सबट्रैक्ट कर देते हैं क्या चीज 1, इफ 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 सबट्रैक्ट कर देते हैं एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो वो 1/2 बन जाता है। ये रहा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2, ठीक है, 2x - 2 इक्वल टू में ये वाई प्लस में 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो देन 2x माइनस में वाई इक्वल टू में 2 और प्लस में 2, 2x माइनस में y माइनस 2 उधर गया तो प्लस में हो गया, देन यहां से 2x माइनस में y इक्वल टू में 4 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 और अगेन मैं बोला है कि वो फ्रैक्शन 1/3 कब हो जाएगा, व्हेन, जब 7 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगेन में यहां पर आप लिखिए कि अगर आपके पास जो फ्रैक्शन x बाई वाई है अगर उसके न्यूमरेटर में से आप अगर उसके न्यूमरेटर में से व्हेन 7 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर उसके न्यूमरेटर में से आप 7 को घटा देते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं एंड 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से भी आप 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/3 बन जाता है, बोला ना एंड के बाद से, तो 1/3 बन जाता है। ये हमारे पास रहा, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेके आएंगे तो ये 3x माइनस में 3 7 = 21 हो जाएगा और इक्वल टू में y माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद समझ में आया होगा आपको। तो यहां पर हम कह देते हैं यहां से 3x माइनस में y इक्वल टू माइनस 2 और प्लस में 21, 3x माइनस में y और ये माइनस में 2 ये प्लस में 21, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, बोल रहे हैं कि 3x माइनस में y इक्वल टू में यहां से आपको प्लस में 19 बनेगा, ठीक है, प्लस में 21 में से 2 गया तो 19 बनेगा यहां पर। तो अगर हम बोले ये हमारे पास इक्वेशन 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए यहां पर माइनस वाई मौजूद है हमारे पास और यहां भी माइनस वाई मौजूद है, दोनों को घटा देंगे बस इतना ही काम हो जाएगा, बोलेंगे कि इक्वेशन 1 में से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं किसको, इक्वेशन 2 को, तो 1 हमारे पास ये है 2x माइनस में y इक्वल टू में 4 और इक्वेशन 2 क्या है यहाँ पर 3x माइनस में y इक्वल टू में 19। अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सबका साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये और ये खत्म हो गया क्योंकि अब इसका साइन प्लस हुआ, ठीक है, और ये 3x में से 2x में से 3 हो जाएगा तो माइनस x बचेगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है और बड़ा का साइन माइनस है, अब नीचे वाला इसका साइन हो गया और इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा जी, आपको इसका साइन माइनस है तो ये बड़ा हमको नजर आ रहा है 19, तो ये हो जाएगा माइनस में कितना 15 हो जाएगा, है ना, तो ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू में 15 हो जाएगा और इसी x का वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 या 2 में तो हमारा निकल जाएगा, बोलेंगे पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट कर देते हैं देन 2 × 15 और माइनस में y इक्वल टू में 4, x की जगह पर 15 हमने पुट किया है और तो हम कहेंगे ये 15 × 30 माइनस में 4 इक्वल टू में y, y को उधर लेके गए तो यहां से अगर y निकालेंगे तो y हमको मिलेगा 26, 30 में से 4 जाएगा तो 26 बचेगा, ये हमारा y हो गया। देन फ्रैक्शन यहां से क्या निकालेंगे, बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, तब हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा द फ्रैक्शन इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, द फ्रैक्शन इक्वल टू में x बाई वाई, यानी कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 15 है और y का वैल्यू कितना है 26 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 15/26 यानी 15/26 यही हमारा आंसर।